करोड़ों रुपए बिजली के बिल पर कुंडली मारकर बैठक उपभोक्ताओं के खिलाफ विद्युत उपमंडल सुंदरनगर अब कड़ी कार्यवाही करने जा रहा है। इसको लेकर विभाग पहले चरण में इलेक्ट्रिक सब डिवीजन भोजपुर के अंतर्गत 300 उपभोक्ताओं पर पिछले लंबे समय से बिजली का बिल नहीं देने पर एक बड़ी कार्यवाही अमल में लाने जा रहा है। विभाग ने इन विभिन्न डिफॉल्टरों को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं और 18 नवंबर तक बिल जमा ना करवाने की सूरत में उनके बिजली के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। इन उपभोक्ताओं पर बिजली विभाग के करोड़ों रुपए बिजली बिल बकाया है। बिजली विभाग की माने तो इन उपभोक्ताओं को कई बार मौखिक तौर पर भी बिजली बिल बकाया का भुगतान करने के आदेश दिए गए, लेकिन ये नहीं चेते। अब बिजली विभाग ने सख्ती करने का निर्णय लिया है। जानकारी देते हुए विद्युत उपमंडल सुंदरनगर के अधिशासी अभियंता विकास शर्मा ने कहा कि विद्युत मंडल सुंदरनगर के मौजूदा समय में सुंदरनगर क्षेत्र में 60,000 के करीब उपभोक्ता हैं। उन्होंने कहा कि रूटीन मॉनिटरिंग में पाया है कि लोगों से ली जाने वाली आउटस्टैंडिंग राशि लगातार बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में पिछले लंबे समय से विभिन्न श्रेणी के 300 उपभोक्ता द्वारा बिजली के बिलों का भुगतान नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि इनकी बकाया राशि करीब 10 करोड़ से अधिक है। इसमें 70 डोमेस्टिक, 50 कमर्शियल व अन्य टेम्परेरी और इंडस्ट्रियल उपभोक्ता है। विकास शर्मा ने कहा कि पहले चरण में इनके कनेक्शन जारी किए जाएंगे, जिससे विभाग का फंसा हुआ पैसा वापस आ सके। वहीं उन्होंने कहा कि विभाग ने बिल भुगतान के लिए एक सरल एवं प्रभावी कदम उठाए हैं, जिसके तहत विभाग की ऐप व ऑनलाइन बिल भुगतान है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता ऐप के माध्यम से अब अपने पिछले 6 महीने के बिल व भुगतान को अपने मोबाइल फोन में ही चेक कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता दुनिया के किसी कोने से ऑनलाइन बिल का भुगतान कर सकते हैं। विकास शर्मा ने भी सभी उपभोक्ताओं से विभाग के कार्यालय में अपना फोन नंबर व ईमेल अपडेट करवाने का आह्वान किया है। हमारे विद्युत मंडल सुंदरनगर के अधीन जो लगभग 60,000 के करीब उपभोक्ता हैं, तो रूटीन की मॉनिटरिंग के दौरान यह पाया गया कि जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, हमारा बकाया राशि जो है, वो बहुत एक बढ़ाव की ओर है। लगभग 10 करोड़ के करीब विभिन्न श्रेणियों का ऐसा पैसा है जो हमें उपभोक्ताओं से लेना है। तो शुरुआती तौर पर विद्युत उपमंडल सुंदरनगर में लगभग 300 ऐसे उपभोक्ता को चिन्हित किया गया, जिनका कि देय राशि जो है वो बहुत समय से वो लोग अपने बिजली बिलों का भुगतान नहीं कर रहे हैं। डोमेस्टिक के ऐसे घरेलू लगभग 70 उपभोक्ता हैं, 50 के करीब ऐसे कमर्शियल कंज्यूमर्स हैं, और बाकी जो है टेम्परेरी और इंडस्ट्रियल कैटेगरी के ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिनके फर्स्ट फेज़ में हमने डिसकनेक्शन ऑर्डर्स किए हैं। इसकी मॉनिटरिंग और इसकी इफेक्टिंग के लिए ये मतलब कि प्रभावी रूप से ये काम करे, इसकी मॉनिटरिंग जो है हम 18 तारीख तक इसकी मॉनिटरिंग करेंगे कि 300 में से कितने उपभोक्ताओं ने जो है वो पैसे जमा करा दिए, और उसके बाद सेकंड फेज़ में जो बाकी उपभोक्ता हैं उनके भी डिसकनेक्शन ऑर्डर्स जो हैं वो जारी किए जाएंगे। सिमिलरली जैसे बाकी हमारे उपमंडल हैं, सलापड़, नेरचौक एवं जो सुंदरनगर 2 उपमंडल हैं, उनमें भी सिमिलरली डिसकनेक्शन ऑर्डर्स जो हैं वो मंडे ट्यूसडे तक जो है वो इशू कर दिए जाएंगे, ताकि जो बोर्ड का काफ़ी समय से पैसा उपभोक्ताओं के पास फंसा है उसको हम लोग रिकवर कर सकें। लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।